एक तरफ आपके राज्यसभा सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से पूछताछ की है। यह पूछताछ दिल्ली शराब घोटाला मामले में की जा रही है। इसी मामले में एजेंसी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी समन भेजा है। जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव से दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ की है। एजेंसी का कहना है कि वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में और भी जानकारियां जुटाना चाह रही है और साथ ही कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण भी चाहती है। एजेंसी इससे पहले भी विभव कुमार से पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही आपके राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक को भी समन भेजा गया है। पाठक को सोमवार 8 अप्रैल 2024 को ही पेश होने को कहा गया है। पाठक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। पाठक आपकी राजनीतिक के मामलों पर निर्णय लेने वाली कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्तमान में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के अंतर्गत बंद है। माना जा रहा है कि दुर्गेश पाठक से उनके पार्टी में महत्वपूर्ण कद के चलते पूछताछ की जा रही है। वह पार्टी संगठन में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके गोवा कनेक्शन की ईडी जांच करेगी। वह गोवा चुनाव के दौरान पार्टी के इंचार्ज थे। एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाले का पैसा गोवा विधानसभा चुनावों में ही खपाया गया। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गुजरात में अपने खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। यह मामला पीएम नरेंद्र मोदी के डिग्री पर प्रश्न उठाने से जुड़ा है। संजय सिंह ने गुजरात में दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन पर रोक लगाने की मांग की थी। यह समन गुजरात के एक न्यायालय ने जारी किया था। इस पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 8 अप्रैल 2024 को खारिज कर दिया। इससे पहले यह याचिका गुजरात हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में खारिज हो चुकी है। गौरतलब है कि आप नेताओं ने गुजरात यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की डिग्री के विषय में जानकारी मांगी थी। इसको लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने भी एक आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने आयोग का आदेश निरस्त कर दिया था और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। उसके बाद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाए थे। उसी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अहमदाबाद में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया था। इसी मामले में उन्हें यह समन जारी हुए थे। वहीं इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना नया चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया। इसका स्लोगन है, जेल का जवाब वोट से। आपके कैंपेन वाली तस्वीर सामने आई है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और इसी तस्वीर के नीचे लिखा है, जेल का जवाब वोट से। नया कैंपेन लॉन्च करने के मौके पर आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। अब जिम्मेदारी हम पर है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पर है जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।